गोपाल, ओ गोपाल, घर पे हो कि नहीं? कौन कौन बुला रहा है? ओ हरी बेटा, आओ बेटा घर में। हाँ, आ रहा हूँ। नानी माँ, गोपाल कहाँ है? कहाँ है वो? क्या बताऊँ बेटा, एक सुबह के घर से बाहर निकला है, अभी तक घर वापस नहीं आया। दिन पे दिन जैसे लड़का ये आवारा बनता जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, आवारा बन गया है? मैंने तो सुना है वो एक अच्छा भविष्यद्वक्ता बन गया है। हाँ बेटा, ठीक सुने हो। उस भविष्यवाणी से जो दो चार पैसे आते हैं, उसी से हम दोनों का गुजर बसर हो जाता है। कल ही तो बोल रहा था कि तुम्हारा पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, अगले महीने तुम्हारा कर्ज चुका देगा। ठीक है बेटा? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नानी माँ। आप एक काम कीजिए, गोपाल की जल्दी से शादी करवा दीजिए, ताकि उसकी आवारापंती कम हो जाए। ये तो लाख रुपए की बात बोले हो बेटा। कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। तो बताओ, तुम्हारे नजर में ऐसी कोई लड़की है? नहीं, ऐसी लड़की नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, नाम शादीलाल घरजोड़े। ऐसा करता हूँ, मैं उन्हें यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कब भेज रहे हो उनको? थोड़ा पहले बता देना, ठीक है? कल बाद परसों शाम को मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा। आप गोपाल को घर में रहने के लिए बोल दे। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। तो फिर चलता हूँ नानी माँ। हाँ, फिर आना बेटा, फिर आना। क्या रे गोपाल, सुन, कहाँ जा रहा है बेटा? माधव जी के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने बेटे के कुंडली विचार के लिए बुलाया है। नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना होगा। कुछ देर बाद अगुआ आने वाले हैं तेरी शादी की बात करने, वहाँ तेरा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? क्या जरूरत है, ऐसा क्या जरूरत है बताओ मुझे। शादी तेरी होनी है, तू नहीं रहेगा तो वहाँ बात विचार कौन करेगा, बता बेटा। शादी करेगा? आप जानते हैं, शादी करना मतलब मुसीबत लेना। आज गहना दो, कल घूमने ले जाओ, मुझे ये लाख के दो, मुझे वो लाख के दो, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ये क्या रे, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा क्या तू? कुंवारा क्यों रहूंगा, पहले राजा कृष्णचंद्र के पास नौकरी करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। बेटे, ये शादीलाल घरजोड़े के पास ऐसी लड़की है जिसके माथे पे राजयोग चमक रहा है। जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा वो भी राजयोग का हकदार होगा। क्या बोल रहे हो अगुआ महाराज? सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के पिता बड़े पैसे वाले हैं और उनकी एक लौती लड़की है, और जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा उसका तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। समझ गए बेटे? ऐसा क्या, मेरे नसीब में जमीन जायदाद, हीरे मोती, सोना चांदी सब है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरी शादी करवाइए, मैं तैयार हूँ। ठहरो बेटे, सिर्फ तुम राजी होने से नहीं होगा ना, लड़की वाले को भी तो राजी होना है, और साथ में कुंडली भी मिलानी है ना। अरे बाबा, ये तो बहुत समस्या है। नहीं, समस्या की कोई बात नहीं है, यदि यहाँ से कुछ मिलता है तो उधर से मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं हूँ ना बेटा। अच्छा ठीक है, बताइए आपको क्या चाहिए? थोड़े दक्षिणा और एक जोड़े कपड़े बस। अच्छा ठीक है, उसके साथ आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। ठीक ही है, मगर। अच्छा बताओ, लड़की कैसी है? घर कुछ नहीं, थोड़ा नाटी है और रंग से थोड़ा काली है। लड़की नाटी, काली, गोरी, जैसी भी हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, लड़की अंधी, बहरी और लूली ना हो। वो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ उस लड़की की शादी होकर ही रहेगी। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माँ जी, आता हूँ। देखिए माँ जी, ये शादीलाल घरजोड़े के बात में दम है कि नहीं, साक्षात लक्ष्मी नारायण लग रहे हैं। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तो फिर माँ जी मेरी दक्षिणा दे दीजिए, मैं चलता हूँ। बहू गोपाल, बहू घर पे आओ।
गोपाल, ए गोपाल, और कितना देर लगाएगा? आ रहा हूँ। थोड़ा दही शक्कर खा लीजिए। क्या हुआ गोपाल, हुआ? आ रहा हूँ भाई। उफ, कितना समय लगाते हो, लो अब चलो, शाम ढलने को है गोपाल। चल भाई चल, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी आ रहा हूँ भाभी जी। जय माता दी। उफ, कब के सुबह निकले हैं, भूख लग गए है गोपाल। सच में मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं करूं? मैं भी सोच रहा हूं। अगर कोई खाने की दुकान मिल जाता तो कुछ खा लेते। क्या खाओगे, घर जैसा खाना दुकान में थोड़ी मिलेगा, भाभी जी के हाथों की बनाई हुई खाना थोड़ा ही ना दुकान में मिलेगा, हाँ क्या कहता है? और मैं उसी घर का मुफ्त में खाने वाला ग्राहक हूँ। और तुम भी तो मेरी तरह ही हो। हाँ ये बात तो सही है, जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब तक तुम्हारी भाभी खाना परोस के बैठी रहती है। अरे वो देखो भाई। अरे हाँ गोपाल, मिठाई की दुकान। गोपाल मिठाई खिलाओगे क्या? खिलाऊंगा, एकदम खिलाऊंगा, वो भी पूरे मुफ्त में। तो फिर वही मक्खी वाला खेल होगा क्या रे गोपाल? पहले दुकान के पास तो चलो। फिर चलो। बहुत बड़ा दुकान। सच में बड़ा दुकान है, हाँ? देखो तो क्या क्या मिठाई है। हाँ भाई देखता हूँ, काला कंद है, गुलाब जामुन है, रसमलाई। अरे इसमें क्या है, गुलाब जामुन? हाँ तुम लोग कौन हो? मैं पथरा ही, लेकिन तुम कौन हो? हम इस दुकान के मालिक। वो अभी कहाँ है? नाका के सो रहा है। नहीं, वो अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने दीजिए, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा, और इधर हम लोगों के पास भी समय नहीं है, तो अपना काम शुरू करें भाई। चलो शुरू किया जाए। तुम लोग ऐसे उठा के क्यों खा रहे हो? अरे फिर से खा रहे हो? रुको, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। बुलाते रे पिताजी। पिताजी, कोई मिठाई खा रहा है? कौन खा रहा है बेटा? पिताजी को बोलो, मक्की खा रहा है, वो समझ जाएंगे। अरे कौन मिठाई खा रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मधुमक्खियों ने। मक्खी, अरे खाने दो। क्या सुनाई दिया? पिताजी देखिए ना, वो बर्फी खा रहे हैं। मक्खी वैसे ही मिठाई खाती है, तुम पंखे डुला कर उसे भगा दो। दोनों मक्खी ने बहुत सारे खा गया है। मिठाई खा लिए। देखो अभी रसगुल्ले खा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो, पंखे डुलाते रहो, मक्खी भाग जाएगी। सचमुच बहुत गर्मी लग रही है, तुम पंखा डुलाते रहो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, तुम कहोगे और मैं पंखा चलाऊंगा? तुमने पेरा उठा के क्यों मुंह में डाला? गुलाब जामुन खाया, टिक किया, बिल्कुल टिक। पिताजी देखिए ना। पंखे से भगा दो। पूरा पेट भर गया। हाँ भाई पूरा पेट भर गया है, अब चलो चलते हैं। चलो भाई चलो। अरे मिठाई खा के पैसा बिना दिए चले जा रहे हो, पैसा दे। सुनो, ये पागल लड़के की बात, हम लोग मिठाई के पैसे कहाँ से देंगे? चलो यहाँ से, हमें बहुत दूर जाना है, यहाँ पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी मक्खी ने मिठाई खा के बिना पैसे दिए जा रहा है। और बुद्धू, मक्खी के पास पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम्हें पैसे देंगे? दूर, वो सब तो ऐसे ही खाते हैं। रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी सारे खा गए पिताजी। गए पिताजी। दूर, ये लड़का भी ना मोटा बुद्धि का, जब देखो तब चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर देता है। अरे, यहाँ पर रसमलाई, बर्फी, लड्डू, संदेश थे, ये सब खाली कैसे हो गए रे? एक आदमी ने बोला। अरे तू तो मक्खी की बात कर रहा था, ग्राहक की तो बात नहीं की? उन लोगों के नाम मक्खी है, और ये बोलने से तुम पहचान जाओगे? अरे भगवान,
ये किसने मेरा सत्यानाश कर दिया? जिसने मेरे दुकान के सारे मिठाई खाए हैं, उसका उल्टी होगा, उसका सत्यानाश होगा। जैसे मुझे बर्बाद किया है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। ओ देखो महाराज कृष्णचंद्र के राजमहल, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम पूरा करके आऊंगा। मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है। ठीक है, तब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मतलब महाराज से मिलने के लिए अनुमति चाहिए, वो अनुमति तुम्हारे पास है क्या? वो तो नहीं है। तो अनुमति नहीं है? ये क्या, ऐसा क्यों? वो तो राजा है, हमारे पिता समान, हम लोग प्रजा है उनके संतान की तरह। तब तो हम लोग कभी भी भेंट कर सकते हैं, अपने सुख दुख की बातें उनसे बांट सकते। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। दया करो भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, एक बार राजमहल में जाने की अनुमति दो, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है? हाँ सचमुच बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दे सकते? कितने पैसे देने होंगे? देखने से तो लगता है बहुत गरीब हो, कितना और दोगी? दो जो तुम्हारे पास है। पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे राजा के पास से कुछ इनाम लेना है, वहीं से मैं तुम्हें आधा इनाम दे दूंगा, समझे? ये बात याद रखना। मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खा के कहता हूँ, अगर इनाम के तौर पर अगर पैसे मिले तो वहाँ से मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा 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 दूंगा। अगर और कुछ मिलता है तो उससे भी आधे हिस्से दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है ठीक है, जाओ, अब तुम जाओ। सुनो कहाँ जा रहे हो? राजसभा में महाराज कृष्णचंद्र से मिलने। अनुमति है क्या? नहीं है। तो फिर महाराज से मिलने की अनुमति भी नहीं है। राजा से मिलना हमारा बहुत जरूरी है, एक इनाम लेना है, समझे सिपाही भाई? कोई रास्ता है क्या जो उनसे मिल सको? आप महाराज से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ देने होंगे। अरे बाप रे, यहाँ पर भी रिश्वत? ठीक है, पहले वाले सिपाही को बोले हैं अगर इनाम में पैसे मिलते हैं तो आधे हिस्से मिलेंगे, और अगर कोई अन्य इनाम मिलते हैं तो उससे भी आधे हिस्से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर वही देना, अब तुम्हें जाने का अनुमति है, जाओ। चोर चोर मौसर है भाई, ऐसा इनाम दूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। क्या प्रश्न महाराज? विश्व में सर्वश्रेष्ठ दांत और फूल कौन सा है? महाराज श्रेष्ठ फूल कमल के और श्रेष्ठ दांत है हाथी के। गलत गलत, बिल्कुल गलत महाराज, इन लोगों का उत्तर पूरा गलत है। कौन हो तुम? मैं गोपाल चंद्र, पेशा हजाम, गांव कृष्णनगर। ठीक है, तो फिर उद्देश्यपूर्ण अपना उत्तर बता दो, पर याद रखना अगर तुम्हारी उत्तर उद्देश्यपूर्ण ना हो तो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, समझ गए? जो आपकी इच्छा होगी वही होगा महाराज। सुनिए महाराज, श्रेष्ठ फूल है सीमर का फूल, कारण इससे मनुष्य को पहनने के वस्त्र मिलते हैं, उस वस्त्र से मनुष्य अपने तन को ढकते हैं और हर तरह के मौसम से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और श्रेष्ठ दांत? और श्रेष्ठ दांत है हलसी, जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे खेतों में फसल उगते हैं। मंत्रीगण अब सभी इनके उत्तर के साथ सहमत है? हाँ हाँ महाराज, हम लोग सभी सहमत है। हम भी तुम्हारे उत्तर से सहमत है, बोलो क्या इनाम चाहते हो तुम? जी महाराज, मुझे 100 करोड़ चाहिए। ये क्या इनाम मांग रहे हो तुम? ये तो इनाम नहीं, सजा है। परंतु महाराज, जो मैं मांगा हूँ वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। भीम सिंह, जो आज्ञा महाराज। इन्हें 100 कोड़े मारा जाए। जी महाराज। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। फिर क्या हुआ?
इनाम लेने से डर रहे हो? जी नहीं महाराज, असल में मैं जब महल के अंदर आ रहा था तभी दो सिपाहियों से वचन दिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेंगे उसको दो हिस्से में बराबर बांट दिए जाएंगे। वे लोग कौन है? इस राजमहल के एक है मुख्य द्वार के सिपाही और दूसरे है राज्यसभा के सिपाही। क्या वे लोग इनाम मांगे थे या तुम स्वयं देना चाहते हो? क्या बोलते हैं महाराज, अपना इनाम कोई किसी को दे सकता है बोला? विश्वास अगर नहीं है तो आप स्वयं उन दोनों से पूछ सकते हैं। भीम सिंह, उन दोनों को अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। तुम और क्या इनाम चाहते हो गोपाल? महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके यदि आपके राजमहल में कोई काम मिल जाए तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। महामंत्री, आपके ख्याल से इन्हें कौन सा काम दिया जाए बताइए। महाराज मुझे लगता है आप इन्हें मनोरंजनकर्ता के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, वही होगा। आज से तुम मेरे मनोरंजनकर्ता होकर मेरे पास बैठोगे। बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज अपराधी आपके सामने हाजिर है। सिपाहियों, तुम लोग इनसे रिश्वत मांगे थे? हाँ हाँ, मतलब नहीं नहीं नहीं। महाराज 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 क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। छोड़ दीजिए महाराज, अब क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। ठीक है, तुम दोनों को मैंने क्षमा किया, परंतु उनके प्राप्त इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। भीम सिंह, मैंने तो तुम लोगों को क्षमा कर ही चुका हूँ, परंतु उनके 100 घोड़े के इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। ऐसे इनाम नहीं चाहिए महाराज। ऐसी बात नहीं बोलने चाहिए, यदि कोई कुछ मांगते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो देने वाले को नरक में कष्ट दिया जाता है। भीम सिंह, अभी तक तुम खड़े हो? हाँ महाराज, ये इनाम इन दोनों को सारी जिंदगी याद रहेगी। सही बोले हो गोपाल। एक भिक्षुक और उसकी पत्नी रहते थे सरयू नदी के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में। इस गरीबी अभाव में उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। भिक्षुक की पत्नी की बहुत इच्छा हुई किसी लड़की या लड़के को गोद लेने की, पर उनकी गरीबी के कारण किसी ने उन्हें लड़का या लड़की गोद लेने को अनुमति नहीं दी। भिक्षुक गरीब होने के बाद भी बहुत सहन शक्ति वाला था। एक दिन वह अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा था और उसी समय उसके सर के ऊपर से एक कौवा उड़कर जा रहा था और उसके मुंह से टपक कर गिरा एक छोटा सा पतला सा चूहा। भिक्षुक की पत्नी ने उस चूहिया को देखा, उठाया और स्वस्थ कर दिया। उसके बाद अपनी पति के सामने कुछ बातें कही। इस चूहिया को एक छोटा सा बच्चा बना दो ना। ठीक 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 है, तुम जिसमें खुश हो वही होगा। मंत्र पढ़कर पानी छिड़क कर इस चूहिया को लड़की बना देता हूँ। प्यार से उन्होंने बेटी का नाम चूहिया बाला रखा। अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर उन्होंने चूहिया बालों को बड़ा किया। इसके बाद बेटी की शादी के लायक होते ही अच्छे लड़के की खोज शुरू हो गई। तुम्हारी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से एक लड़का ढूंढो ना। जरूर जरूर, मेरे अनुरोध करने से तो खुद सूर्य देव आएंगे हमारी लड़की से शादी करने। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं चाहूँगी कि सूर्य ही हमारी बेटी से शादी करके हमारा दामाद बने। अब अपनी बात का प्रमाण दीजिए। लड़की से शादी करने के लिए जैसे ही अनुरोध किया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी आपका पसंद किया हुआ पात्र बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका तेज बहुत ज्यादा है। क्या इससे भी अच्छा कोई और महान नहीं है? भिक्षुक सोच सोच कर मरे जा रहा था, सूर्य से भी ज्यादा अच्छा पात्र कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से मेघ मुझसे भी अच्छा और शक्तिशाली है।
मेघ तुम्हारा पति होगा तो कैसा रहेगा? पिताजी ये पात्र भी अच्छा है, पर क्या आपको इसका रंग कुछ ज्यादा काला नहीं लग रहा? इससे भी अच्छा और इससे भी शक्तिशाली कोई और नहीं है क्या? वायु को मुझसे भी अच्छा और मुझसे ही शक्तिशाली कहा जा सकता है। कितनी बार वो मुझे धक्का देकर किसी कोने में जाकर पटक देता है। पिताजी इसको देखकर लगता है कि इसका मन स्थिर नहीं रहता। इससे भी अच्छा और इससे भी शक्तिमान और कोई नहीं है क्या? चिंता मत करिए, पहाड़ मुझसे भी बड़ा और शक्तिशाली है। कारण मेरे इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी मैं पहाड़ को हिला भी नहीं पाता, जरा सा भी नहीं हिला पाता। पिताजी ये पात्र तो बहुत अनाड़ी है, इससे भी ज्यादा अच्छा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है क्या? है ना, एकमात्र चूहा ही तो है, सिर्फ वही तो मेरे शरीर में छेद करने की हिम्मत कर पाता है। तुम्हारी इतनी महत्वाकांक्षी लड़की के साथ वही मेल खाता है। अरे पिताजी इस साहसी युवक जैसा और कौन है, यही सबसे महान है। इनसे जल्दी से मेरा विवाह करा दीजिए। ये तो बहुत ही दुख की बात है, मैं उसके लिए सबसे अच्छा पात्र चाहती थी, पर अब मैं देख रही हूँ कि उसने जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया उससे ही विवाह किया। आज सभा में महाराजा कृष्णचंद्र प्रवेश कर रहे हैं। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। 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 जय महाराज कृष्णचंद्र। सभा का काम शुरू किया जाए। दो लड़कियां आई हैं, उन्हें इज्जत के साथ ले आओ। जैसी आज्ञा। प्रणाम महाराज। महाराज राज्यसभा में आने का समय बीत चुका है। गोपाल इतना देर कैसे हुआ? जी आज खाना बनने में देर हो गया इसीलिए। और कल? पैरों में दर्द था इसीलिए। परसों? खाना हजम नहीं हुआ होगा इसीलिए। कल से 10 बजे के अंदर सब राज्य सभा में आ जाना चाहिए। अगर जो नहीं आएगा उसे उसी वक्त सभा से निकल दिया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज मैं सीता। प्रणाम महाराज मैं गीता। क्या कहना चाहती हो? महाराज हम दोनों बहनों का 4 दिन पहले एक ही घर में एक ही वक्त 2 पुत्र जन्म लिए थे, लेकिन उसी वक्त मेरी बहन का पुत्र मर गया और वो मेरे पुत्र को अपना पुत्र कह रही है। नहीं महाराज ये झूठ बोल रही है, पुत्र इसका मरा था मेरा नहीं। तुम दोनों के संतान के शरीर पर कोई विशेष पहचान है? हाँ महाराज मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। महाराज मेरे पुत्र के कान के नीचे एक लाल तिल है। महामंत्री इनकी बातें सच है कि नहीं देखी है? जी महाराज। महाराज इन दोनों की बात सच है? महाराज आपके पास सर्वज्ञानी व्यक्ति है तो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? इसका विचार करने के लिए उसे ही बोलिए। क्यों गोपाल करोगे? जरूर। तो करो। जैसी आज्ञा महाराज। अच्छा आप दोनों बोल रही हैं ये बच्चा मेरा है ना? जी हाँ। तुम दोनों इस बच्चे को लेना चाहती हो? हाँ चाहती हूँ। अगर इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके तुम दोनों में बांट दूँ तो क्या आप दोनों को मंजूर है? मुझे नहीं है। मुझे है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फैसला आपकी बहन को मंजूर है। जलाद जलाद। जी महाराज। इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर इन दोनों माओं को
एक एक टुकड़ा दे दो तुम। जैसी आज्ञा। दया कीजिए महाराज, उसका बच्चा उसका ही रहे। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पुत्र पे कभी हक नहीं जताऊंगी। कृपया करके उसे मत मारिएगा, उसे छोड़ दीजिए, उसे मत मारिएगा महाराज। महाराज मेरा विचार हो गया, ये बच्चा गीता का है, सीता का नहीं। गीता तो बोल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं है। सभी की माँ यह चाहती है उसका बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे, और दूसरी तरफ सीता इस बच्चे का दो टुकड़ा करवाने के लिए भी तैयार है। लेकिन गीता ये नहीं चाहती, वो इस बच्चे को बचाने के लिए अपना माँ का अधिकार छोड़ रही है। तो बताइए महाराज, बच्चा किसका है? सीता, क्या ये बात सच है? सच सच बताओ, वरना तुम्हें कल कोठरी में डाल दिया जाएगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन का है। मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही मर गया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगी महाराज। ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखना जिंदगी में दोबारा ऐसा गलती मत करना। जाओ, तुम अपना पुत्र लेके जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सच में गोपाल, तुम तारीफ के लायक हो। सभी आपका कृपया है महाराज। संजय सिंह मिलिट्री में नौकरी करते थे, युद्ध में शत्रुओं से आमने सामने लड़के मौत के मुंह से बहुत बार बच कर आए हैं। एक दिन वो अपने मामा के घर घूमने गए और सुबह सुबह अपने मामा के साथ घूमने निकले। मामा, यह घर किसका है? चौधरी जी का, कोई रहता नहीं है। नहीं, क्यों? सब कहते हैं इस घर में भूत रहता है। कितने लोग इस घर में भूत देखे हैं। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आज रात को भूत देखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर उस भूतिया महल में तुझे नहीं जाने दूंगी। और लोहे के छोटे छोटे गेंद तो मेरे पास है ही। ले पकड़ अपना सामान। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ मामी। हे माता रानी। अरे ये कहाँ से आया है? अरे सच में, यहाँ तो भूतों का डेरा है। तू कौन है? तू कौन? मैं भूतों का राजा हूँ। और मैं इंसानों का राजा हूँ। मेरा ताकत जानते हो? मैं तुझे उठाकर हिमालय तक फेंक सकता हूँ। और मेरा ताकत जानता है? मैं लोहे को चबाकर खा सकता हूँ। यह ले, तू खा के दिखा तो। कहाँ है? दो। लोहे चबा चबा कर तो मेरे दांत दर्द हो गए, लेकिन मैं तो इसे नहीं खा पाया। हाँ, ऐसा क्यों? तू पत्थर को दबाकर खून निकाल सकता है? नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यह देखो। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे? I
अच्छा ये बताओ, तुम लोग इस थैले में प्रवेश कर सकते हो? हाँ, वो कर सकूँगा। ठीक है, करके दिखाओ जरा। ठीक है, देख तू। ए सब चलो। ए तो थैले का मुंह क्यों बंद कर दिया? हाँ, खोल थैले का मुंह, खोल, बोल रहा हूँ ना, खोल थैले का मुंह। खोल दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। छोड़ दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो। हाँ हाँ, हम लोग आ जाएंगे, हम लोग वादा करते हैं। जाओ भागो यहाँ से। अरे अरे, भागो जल्दी, भागो यहाँ से, भागो जल्दी, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। उसके बाद उस घर के आसपास भूतों का भटकना बंद हो गया। चौधरी परिवार भी उस घर में निवास करने लगे। सिर्फ यही नहीं, भूतों से पीछा छुड़ाने के फलस्वरूप संजय राउत को 1,00,000 रुपए नगद इनाम दिए गए।